मैं पूजा, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस एंड पूजा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी रेमेडी बताने जा रही हूँ जो आपके रूखेपन को दूर करेगी। आपके चेहरे में अगर या आपके बॉडी में अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस है तो उसको खत्म करेगी। काफी इजी सी रेमेडी है। जैसे नारियल ऑयल, आप सब जानते हैं नारियल ऑयल हम लोग अपने घरों में यूज करते हैं। कोकोनट ऑयल सबके घरों में पाया जाता है तो हम सब उसको लगाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे तरीके आपको बताऊंगी नारियल तेल लगाने के सर्दियों में, जिसे आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और ये तरीके ऐसे हैं जिससे आपकी स्किन प्रोटेक्ट रहेगी, आपका फेस भी ड्राई नहीं होगा, आपकी स्किन भी ड्राई नहीं होगी। काफी इजी सा तरीका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि नारियल ऑयल किस किस तरीके से हम लगा सकते हैं जिससे हमारी स्किन और भी ब्राइट हो जाए। तो सबसे पहले हमें एक बाउल चाहिए और बाउल में हमें डालना है कोकोनट ऑयल। सर्दियां हैं तो सर्दियों में कोकोनट ऑयल थोड़ा जम जाता है, तो मैंने ये वाला पैरासूट का कोकोनट ऑयल लिया है। तो ये भी आप ले सकते हो, और आप मार्केट में जो आजकल फेस पे लगाने वाला अलग से आ रहा है वो भी ले सकते हो। तो जो भी आपको आप लगाते हो अपने फेस पे वो ले लेना, और इसको थोड़ा सा गर्म कर लेना क्योंकि काफ़ी जल्दी ये अभी जम जाता है। ठीक है, गर्म करना ज़रूरी है। तो देखिए अभी मैं गर्म करके ले आई थी और ये फिर से जम गया है। कोकोनट ऑयल हमारे स्किन में जितने भी मुहासे के दाग धब्बे उसको ख़त्म करता है। साथ ही साथ इसमें ऐसे कई गुण होते हैं जो हमारी स्किन को जमा बनाए रखता है, हमारी स्किन को फटने नहीं देता। अगर आपके डार्क सर्कल की काफ़ी प्रॉब्लम है तो आप इसको लगा सकते हैं। ये रेमेडी आपको फेस वॉश करने के बाद लगानी है। अगर आप में ज़्यादा ड्राइनेस है तो आपको ये 2 से 3 बार लगा लेना है। अगर कम ड्राइनेस है तो आपका 1 बार ही पूरे दिन में चलेगा। इसके बाद इसमें हमने डालना है बादाम ऑयल। बादाम ऑयल में विटामिन ई होती है जो हमारी स्किन को रिपेयर करती है, हमारी स्किन में जो दाग धब्बे हो जाते हैं उसको ख़त्म करती है, साथ ही साथ हमारी स्किन को पोषण प्रदान करता है। तो आप यहाँ विटामिन, अगर आप बादाम तेल नहीं डालना चाहते हो तो यहाँ पे विटामिन ई की कैप्सूल भी डाल सकते हो। ठीक है, और इसको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इस तरह से आपको बना लेना है, और इसको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आप मिक्स कर लीजिएगा। सभी तरह की स्किन वाले इसको लगा सकते हैं, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अब इसमें हमें ग्लिसरीन डालना है। सर्दियों में ये बेस्ट 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 होता है हमारी स्किन के लिए। आपकी स्किन अगर जमा नहीं है, झाड़ियाँ ज़्यादा हो गई हैं, झुर्रियाँ ज़्यादा हो गई हैं, आपकी स्किन में से अगर ग्लो चला गया है, एक ग्लास स्किन अगर आपको चाहिए तो आप ग्लिसरीन लगाना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों इस तरह से आपको कर लेना, मेल फीमेल दोनों इसको लगा सकते हैं। आपके अगर हाथ पैर भी फट रहे हैं या होंठ भी फट रहे हैं तो भी आप इसको लगा सकते हैं। देखिए ये मेरा 7 दिन चलेगा, इसको मैं स्टोर करके रख लूँगी। तो चलिए मैं इसको लगाना बता देती हूँ, लेकिन इसमें पड़ने वाली किसी भी चीज़ से आपको एलर्जी होगी ना तो इसका यूज बिल्कुल भी ना करिएगा। 16+ हो तो आप कर सकते हो, डे में नाइट में कभी भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने फेस पे अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा ये अपने फिंगर पे लीजिए और पूरे फेस पे आपको लगभग 2 से 3 मिनट तक ये मसाज करना है। अगर आप रात में इससे मसाज कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा होगा। पूरे ओवरनाइट इसको अपने स्किन पे छोड़ दीजिएगा और सुबह देखिएगा आपकी ड्राइनेस की प्रॉब्लम कैसे ख़त्म हो जाती है। फेस वॉश करने के बाद आप इसको लगाओगे तो भी काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों। तो देखा आपने एक नारियल तेल कितना हेल्दी होता है हमारी स्किन के लिए, और इसको लगाने का ये तरीका आप लोगों ने देखा। अच्छा लगा ना तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल।